हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर 5 में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर प्रॉब्लम करना सिखाया था कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, उसके टिप्स मैंने दिए थे और उसे कुछ स्टेप्स मैंने बताया था। कुछ इलुस्ट्रेशन मैं बताना चाह रहा था, जो इलुस्ट्रेशन एक इलुस्ट्रेशन मैंने बताया था, फिर हम आज शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स में देखिए, पहले सिंपल एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, फिर धीरे धीरे सिंपल से हम लोग डेप्थ में चलेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत सारे कनेक्टिंग बॉडीज को दिखाएंगे, पुलिस को दिखाएंगे इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ एक बात को ध्यान में रखना है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ एक चीज कि अभी इस चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूं, मानकर चलिए कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। अगर पुली कहीं लगाएंगे तो पुली इज लाइट, नेग्लिजिबल मास का पुली लगाएंगे। पुली का कि हम पुली को हम मानकर चलेंगे कि नेग्लिजिबल मास का है, और सभी सरफेस को मैं स्मूथ मानेंगे। जहां जहां स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को हम लाइट मानकर चल रहे हैं। लाइट कहने का सेंस है कि उसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। अब हम इस ब्लॉक में ये तीन मासेज हैं, तीन ब्लॉक्स हैं, M1, M2 और M3 मासेज है, और एक फोर्स लग रहा है। ये कनेक्टिंग बॉडीज है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। F फोर्स लगाकर हम इसको खींच रहे हैं M3 को, तो M1 और M2 और M3 तीनों चलेगा साथ साथ, इसलिए तीनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो हम एक्सीलरेशन अगर निकालना चाहें तो हम सीधे निकाल सकते हैं F=M1+M2+M3 × A, Force = Mass × Acceleration। अगर सब में एक्सीलरेशन चूंकि सेम होगा, सब साथ साथ चल रहा है, तो एक्सीलरेशन सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं F=M1+M2+M3 × A, और इसलिए A का वैल्यू हम निकाल लेंगे F/M1+M2+M3, बहुत सिंपली। लेकिन जब स्ट्रिंग में टेंशन निकालना होगा, इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी होगा, इसलिए हम देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सपोज कीजिए कि एक पहला ब्लॉक है M1 मास, यह M1 मास का ब्लॉक है, इस पर वेट लग रहा है M1g, अर्थात अर्थ पुल कर रहा है M1g फोर्स से। ये जो सरफेस है, यह सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्यों नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो M1g अगर यह सरफेस पर M1g लगा रहा है तो उतना ही फोर्स M1 पर यह सरफेस लगा रहा होगा विपरीत दिशा में, अर्थात अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स या फोर्स N1 है, निश्चित रूप से N1 यहां M1g के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रिंग, इसको खींच कौन रहा है? ये स्ट्रिंग में टेंशन होगा, वही टेंशन इसको खींच रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो हम मानकर चलते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, तो इसको T1 टेंशन से खींच रहा है और इसके कारण एक्सीलरेशन A है। अब हम देखें इतना ही फोर्स लग रहा है M1 मास पर, इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, इसको हम नाम देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 1। अब हम M2 मास को दिखा रहे हैं, यह सपोज कीजिए कि M2 मास है, M2 मास का वेट M2g नीचे की ओर लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन इस पर N2 लग रहा है। सपोज कीजिए यह निश्चित रूप से N2 M2g के बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कहीं कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी टू एम डी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखें कि इसको खींच कौन रहा होगा? T2 फोर्स खींच रहा होगा। एक बात और देखें कि अगर M2 M1 को T1 फोर्स से खींच रहा है, तो M1 भी M2 को T1 फोर्स से खींच रहा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो M2 मास पर भी T1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यह चूंकि तीनों जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस पर भी होगा A। अब हम इसको हम मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 2।
अब हम तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम खींच रहे हैं, यह M3 मास है। M3 मास का वेट है M3g, नॉर्मल रिएक्शन सपोज कीजिए M3 है, फोर्स इस पर लगा रहे हैं F, और यह M3 मास M2 मास को अपनी ओर खींच रहा है T2 फोर्स से, तो M3 मास को M2 मास भी खींच रहा होगा अपनी ओर T2 फोर्स से, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए एक्सीलरेशन ही हम दिखाएंगे। इसको मान लेते हैं FBD3। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, फ्रॉम FBD1 हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग पहले एक्सिस चूज करते हैं, इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इधर मान लीजिए कि वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि N1 M1g के बराबर है, और मोशन जो कि इसी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हमको इसी डायरेक्शन में इक्वेशन केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन लिखना है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग M1 मास पर एकमात्र फोर्स लग रहा है T1, तो हम T1 फोर्स लग रहा है तो हम नेट फोर्स लिखेंगे T1, कोई इसको अपोज भी नहीं कर रहा है, T1 नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, इसलिए एक्सीलरेशन ए है तो M1 इनटू ए। अब हम देखें FBD2 में भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे, तो M2 मास पर फोर्स T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब T2 बड़ा होना चाहिए, T2 माइनस T1 नेट फोर्स होना चाहिए, क्योंकि T2 को T1 अपोज कर रहा है, देख रहे हैं अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, जो घट जाएगा T2 में से T1, तो लिखेंगे From FBD2 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, सो दिस इज M2 इनटू A, इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। और सिमिलरली फ्रॉम FBD3 यहां देखिए कि राइटवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है, इसको अपोज कर रहा है T2, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होगा F-T2, तो हम लिखेंगे F-T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन M3 इनटू A, तो लिखेंगे M3 इनटू A, यह इक्वेशन 3 है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन अननोन क्वांटिटी है, T1 है, T2 है, A है, यह तीन इक्वेशन और तीन अननोन क्वांटिटी, इस तीनों से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड कीजिएगा, T1 से माइनस T1, T2 से माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा F, F बराबर है M1A प्लस M2A प्लस M3A, A कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, सो A इज इक्वल टू F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, एक्सीलरेशन निकल गया। अब हम इस एक्सीलरेशन A का वैल्यू अगर 1 में दे देंगे तो T1 निकल जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन 1, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 इंटू A, A का वैल्यू लिख दीजिए F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर हम A का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दें तो T2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो देखें A का वैल्यू हम 3 में रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन 3, F-T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A,
सॉरी एम थ्री इंटू ए, तो यह हो गया एम थ्री और ए के जगह पर है एफ वाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। इसलिए टी टू बराबर क्या हो जाएगा, यह चलाएगा इधर, ओके, यह एफ माइनस टी टू था तो हम माइनस टी टू को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा टी टू इज इक्वल टू एफ माइनस, एफ कॉमन ले लें, वन माइनस एम थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। इसको हम एलसीएम लेंगे तो एम थ्री तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एम वन प्लस एम टू इंटू एफ बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। और इस तरह से टी टू भी निकल गया, टी वन भी निकल गया और यहाँ एक्सीलरेशन भी निकल गया, हम लोग तीनों को मालूम हो गया, एक्सीलरेशन भी मालूम हो गया और टेंशन भी मालूम हो गया, टी वन और टी टू का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तीन ब्लॉक्स हैं एम वन एम टू एम थ्री, इसमें से पुली के सहारे एम वन मास नीचे हैंग कर रहा है, लटक रहा है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यह नीचे आएगा और यह दोनों ब्लॉक आगे बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि यह सरफेस स्मूथ है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, छोटा सा भी फोर्स लगेगा तो वस्तु अपने वेट के कारण यह नीचे आएगा और यह आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम देखें कि M1 मास, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, इसको हम अलग अलग सिस्टम, M1 और M2 तो सेम सिस्टम में है लेकिन M1 अलग सिस्टम में है, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही चाहिए, बनाना ही पड़ेगा। तो हम देखें सबका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएं। सबसे पहले M1 मास के लिए लिखें, यह M1 मास है, M1 मास है, नीचे लगेगा M1 जी फोर्स। एक बात देखिए कि M1 जी फोर्स इस पर नीचे लग रहा है, या किसी सरफेस पर तो रखा हुआ नहीं है, सरफेस पर रहता तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगता, लेकिन यह सरफेस नहीं है, ये स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग इसको रोक के रखा है, अदरवाइज फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह नीचे गिर जाता। तो इसका मतलब है कि टेंशन इसको रोक रहा है, यानी टेंशन जो फोर्स है, मान लो यह टेंशन T1 है तो T1 ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर M1 जी लग रहा है। सपोज कीजिए कि इसमें नीचे की ओर एक्सीलरेशन A है, इसको हम मान ले फ्री बॉडी डायग्राम नंबर वन। अब हम M2 मास को देखें, यह M2 मास है, M2 जी लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, और इसमें टेंशन इसमें कितना था, T1 हमने माना था ऊपर की ओर, तो T1 फोर्स इसको खींच रहा होगा, तो T1 फोर्स इस पर लग रहा है और इसको कोई ना कोई रोक रहा होगा M3 मास, अर्थात इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है यहां लग रहा होगा। सपोज कीजिए कि यह टेंशन T2 है और M3 मास है यहाँ पर, यह M3 मास का वेट है M3g और नॉर्मल रिएक्शन N3, और इसको कोई खींच रहा होगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वही खींच रहा होगा, टेंशन क्या था T2, T2 इसको इस ओर खींच रहा है, इसमें भी एक्सीलरेशन ये है, इसमें भी एक्सीलरेशन ये है, इसमें भी एक्सीलरेशन ये है। ये दोनों को तो हम सेम सिस्टम में कह सकते हैं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम नंबर वन को हम ये उसी सिस्टम में नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग है। यदि हम एक्स एक्सिस इधर मानते हैं, वाई एक्सिस इधर मानते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखना होगा और इसका इक्वेशन लिखना होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। देखते हैं कैसे लिखते हैं, फ्रॉम एफबीडी वन, फ्रॉम एफ डी वन इक्वेशन लिखेंगे, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि फोर्स, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा,
क्योंकि नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन लगना चाहिए। तो नेट फोर्स लग रहा है m1g नीचे और ऊपर की ओर लग रहा है t1 फोर्स। ये नेट फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन 1। अब हम एम्बेडेड 2 को देखें। फ्रॉम एम्बेडेड 2 यह होगा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में t1 फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होना चाहिए t1 - t2। तो यह हो गया t1 - t2 बराबर m2 into a। यह इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम एम्बेडेड 3 देखें। फ्रॉम एम्बेडेड 3 क्या होगा इक्वेशन, एक ही मात्र फोर्स इधर लग रहा है वह है t2। तो t2 इज इक्वल टू मास गुणे एक्सीलरेशन, यह 3 है। अब हम तीनों को ऐड कर दें और तीनों को ऐड करेंगे तो देखें क्या होता है। एडिंग 1, 2 and 3 -t1 से +t1 कैंसिल, -t2 से +t2 कैंसिल, बच गया बाएं साइड में m1g और दाएं साइड में बच गया m1 + m2 + m3 into a। इसलिए a इज इक्वल टू हो जाएगा m1g / m1 + m2 + m3। अब जरा सोचिए कि a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में दे दें तो t2 का वैल्यू निकल जाएगा और ए का वैल्यू हम 1 में दे दे तो t1 का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1 में दे देंगे तो क्या निकलेगा, 1 में अगर दे दें तो लिखेंगे m1g - t1 = m1 into a। तो a के जगह पर क्या था, m1g / m1 + m2 + m3। इसलिए t1 बराबर हो जाएगा m1g - m1g / m1 + m2 + m3। यह m1g अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा क्या, m1 + m2 + m3 m1g कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 - 1 / m1 + m2 + m3। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो यह हो जाएगा क्या वैल्यू, यह वैल्यू हो जाएगा इसका t1 का। अगर t2 पे रख दें, इक्वेशन 3 पे रख दें a का वैल्यू तो t2 हो जाएगा। अब यहां देखिए कि क्या हो जाएगा, m1g - t1 बराबर है m1 into a। a का वैल्यू था m1g / m1 + m2 + m3 इसलिए यहां हो गया m1 square g। इसलिए t1 बराबर हो जाएगा m1g - m1 square g / m1 + m2 + m3। यहाँ m1g कॉमन ले लिए तो हो गया क्या, m1g यहाँ पर था 1 हो गया, यहाँ एक m1 बच गया था m1 / m1 + m2 + m3। इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गया यह। इस तरह से t1 का वैल्यू निकल गया। अब t2 का वैल्यू निकालना है। आप इक्वेशन 3 में देखे थे कि t2 बराबर था m3a, बराबर है m3 इंटू a का वैल्यू है m1g / m1 + m2 + m3। यह t2 निकल गया, तो एक्सीलरेशन भी निकल गया, t1 भी निकल गया, t2 भी निकल गया। इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को कर लिए। आगे भी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन पर प्रॉब्लम करेंगे, कांस्टेंट रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है यह बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।